हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पी एस एम लर्निंग जोन स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड द सर्किट्स हम ये चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं ठीक है और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं ठीक है थीके? इस डायग्राम से आपको कुछ समझ आई रहा होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है जब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है मैं अभी बताता हूँ अभी आपको चलो शुरू करते हैं बताना देखो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ये यह देखो यहां पर जो है कंप्लीट सर्किट बना हुआ है ठीक है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है ठीक है हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक सेल है हमारा वो क्या करता है वो करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ठीक है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है उसको इलेक्ट्रिक सेल जो है जो उसके अंदर केमिकल स्टोर होते हैं वो क्या वो क्या करती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ठीक है उससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से तारों वायर के थ्रू वायर के थ्रू क्या होता है बलब ऑन हो जाता है ठीक है बल्ब क्या होता है ग्लो करना शुरू कर देता है ठीक है बच्चों? बल्ब ग्लो कैसे करता है हम आगे पढ़ते हैं अभी हम देखो इलेक्ट्रिक एलक्ट, सर्किट में क्या क्या होता है देखो कैसे लगाना चाहिए हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे कौन सी चीज कहां पर लगती है मैं वो आपको अब बताऊंगा ठीक है देखो जरा यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है यहाँ पर देखो जरा ये बना हुआ एक बल्ब है जो कि एक सेल के साथ अटैच है ठीक है बच्चों वो ये रेड कलर की जो जा रही है यहां पर ये है वायर ठीक है ये वायरिंग है इसकी ठीक है आप देखो ये बड़े ध्यान से देखो इस डायग्राम को जो सी ये रेड वायर जा रही है हमारी यहां पर वो क्या कर रही है जो मेटल टिप पे देखो ये मेटल टिप पे मेटल टिप जो है वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मेटल टिप के साथ जुड़ी हुई है ठीक है वायर के थ्रू यहीं पर मैंने भी यहां पर भी ये लिखा हुआ है यहां पर देखो यहां पर मैंने ये लिखा हुआ है कि जो मेटल टिप है हमारी मेटल टिप ऑफ द बल्ब बल्ब की मेटल टिप इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब जो कि बल्ब की मेटल टिप है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल के साथ कनेक्ट है टर्मिनल ऑफ द सेल बोलना था मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल के साथ क्या है कनेक्ट है कौन सी चीज कनेक्ट है मेटल टिप जो मेटल टिप कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल के साथ जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना सेल का उसके साथ मेटल टिप कनेक्ट होती है आगे देखो जो मेटल केस होता है ये हमारा मेटल केस होता है ये वाला तो मेटल केस के साथ कौन सा टर्मिनल अटैच होगा नेगेटिव टर्मिनल ठीक है यहां पर मैंने लिखा हुआ है देखो बच्चों मैंने क्या लिखा है यहां पर जो हमारा मेटल केस है ये हमारा मेटल केस होता है ठीक है मेटल केस ऑफ द बल्ब मेटल केस किसका बल्ब का इस कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल किसका सेल का नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल के साथ मेटल के बलब का वो अटैच होता है ठीक है बच्चों ये तो था सर्किट के अंदर कौन सी चीज किसके साथ जुड़ी होती है ठीक है बच्चों? आगे पढ़ते अब हम ये देखो एक होता है एक होता है क्लोज्ड सर्किट एक होता है ओपन सर्किट जब सर्किट जो हो वो क्लोज हो मीनिंग सारी तरफ से वो बंद हो सर्किट ठीक है ठीक है वो तभी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बलब ग्लो करता है ठीक है जो इलेक्ट्रिसिटी जो है जो करंट है तभी फ्लो करेगा जो सर्किट जो है क्लोज हो करंट कब कैसे कब फ्लो करेगा पूरा करंट पूरा करंट कब फ्लो करेगा जब सर्किट क्या हो क्लोज हो जब सर्किट क्लोज होगा पूरी तरह से जुड़ा होगा ठीक है और सही ढंग से जुड़ा होगा तो क्या होगा सर्किट में सर्किट उसको कहेंगे हम क्लोज सर्किट है कि के इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट जो है वो फ्लो कर रहा है करंट के फ्लो होने से हमारा जो बल्ब है वो चलेगा कोई भी हमारा जो अप्लायंस होगा वो चलेगा ठीक है करंट के फ्लो होने से ठीक है हमने यहां पर क्या लिया है एक टॉर्च बल्ब लिया है एक छोटा सा होता है टॉर्च बल्ब वो लिया है एक्सपेरिमेंट के लिए दिखाने के लिए कि एक वो एक सेल के साथ भी चल पड़ता है ठीक है हमें ये जो एक्सपेरिमेंट है वो छोटे टॉर्च के साथ ही करना है किसी किसी बच्चे ने घर में भी करना है तो वो किसी बड़े के साथ मिलकर करना है ठीक है ये जो तारे होती हैं हमारी जो वायर होती हैं, जो वायर होती हैं वो भी ध्यान रखना हमें कि वो किसी इंसुलेटर से कवर हो नहीं तो आपको करंट लग सकता है यहां पर देखो यहां पर है ओपन सर्किट लिखा हुआ यहां पर मैंने ठीक है बच्चों? ओपन सर्किट का मीनिंग होता है अगर कहीं से ये जो सर्किट है वो ब्रोक हो ब्रोकन हो ये देखो इस तरफ से इस जगह से ये जो है सर्किट है वो ब्रोक है जो तारे हैं वो आपस में एक जगह से नहीं जुड़ी हुई जब तारे आपस में किसी भी जगह से ना जुड़ी हो ठीक है तो हम कहेंगे वो सर्किट क्या है ब्रोकन है देयर इज अ गैप बिटवीन द सर्किट इफ देयर इज अ गैप बिटवीन द सर्किट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो मे इट मींस करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम दैट सर्किट ट एपन सर्किट ठीक है बच्चो अगर जब भी गैप हो किसी भी सर्किट में तो उसे हम कहेंगे ओपन सर्किट है वो ठीक है आगे पढ़ते हम आगे है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में ये मैंने जो बताया है मैंने वो ही लिखा है यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं क्लोज सर्किट क्या मैंने बताया है कि दिस इज ए कंप्लीट

दिस इज एन ओपन सर्किट वाई दिस इज एन ओपन सर्किट क्योंकि क्योंकि देयर इज ए गैप उसमें जो है गैप है मीनिंग कहीं से वो ब्रोकन होगा कहीं से वो सर्किट कहीं से वो जो जब भी कोई भी सर्किट कहीं पर भी गैप आ जाए ना उसके बीच में तो हम उसे बोलेंगे वो है ओपन सर्किट है हमारा आगे देखो इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं कर सकती किसके थ्रू ओपन सर्किट जब हो जब गैप हो सर्किट के अंदर तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है फ्लो नहीं करती मीनिंग हमारा जो करंट है वो सर्किट के थ्रू पूरा फ्लो नहीं कर पाता जिसके कारण जो है बलब ही हमारा नहीं जग सकता ठीक है आगे देखो बच्चों आगे पढ़ते हैं आगे क्या है फ्यूज बलब फ्यूज बल्ब कौन सा होता है फ्यूज बल्ब जो होता है उसे कहते हैं जब हमारा जो फिलामेंट है जब जो हमारा फिलामेंट ऑफ द बल्ब होता है वो क्या होता है ब्रोकन होता है जब वो टूटा होता है क्या टूटा होता है फिलामेंट ऑफ द बलब जब वो टूटा होता है तब अब हम उस बल्ब को कहते हैं कि वो बल्ब क्या है एक फ्यूज बल्ब है ठीक है बच्चों? अच्छा फ्यूज बल्ब को अगर हम किसी भी सर्किट में लगा दें क्लोज दे, दे, में लगा दें या ओपन में लगा दें सर्किट में ओपन में तो चलता ही नहीं अगर हम क्लोज में भी लगा देना उसको किसको फ्लू फ्यूज बल्ब को हम यहां पर फ्यूज बल्ब की बात कर रहे हैं जिसका कि फिलामेंट टूटा होता है ठीक है जब फ्यूज बल्ब को हम क्लोज सर्किट में लगा दें जहां से पूरी तरह से करंट फ्लो कर रहा है तो मगर उस उस समय में बल्ब ग्लो नहीं करेगा मीन के बल्ब से लाइट नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी लाइट क्योंकि जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टूटा होगा और फ्यूज बल्ब के साथ वो ग्लो नहीं करता है जब कि जब फिलामेंट टूटा होता है तब वो वो ग्लो नहीं करता है देखो कुछ इस तरह से होता है देखो ये हमारा फिलामेंट था ना ये हमारा फिलामेंट होता है ऊपर वाला ये ऐसे ऐसे किया हो ना ये ऐसे ऐसे जो फिलामेंट है ठीक है तो ये क्या है ये टूटा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर गैप है ना बिटवीन इसके बीच में गैप है ये तो ये टूटा हुआ है जिसके कारण क्या है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी क्योंकि ये टूटा हुआ है कहीं पर भी गैप आ जाए ना तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती यहां पर क्या था फ्यूज बल्ब की बात हो रही है फ्यूज बल्ब क्यों था क्योंकि ये टूटा हुआ बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ था तो हम उसे कहते हैं फ्यूज बल्ब फ्यूज बल्ब को कहीं पर भी, भी लगा दो वो ग्लो मीनिंग के वो लाइट नहीं देगा प्रोड्यूस करेगा नहीं प्रोड्यूस करेगा वो लाइट फ्यूज बल्ब जो है लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा वो ठीक है बच्चों क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा क्योंकि फ्यूज बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या होता है वो टूटा होता है आगे देखते हैं देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं आगे क्या है आगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है आपको आपने घर में भी इस्तेमाल किया होगा इलेक्ट्रिक स्विच जो जो स्विच ऑन और ऑफ करने के काम आता है किसको जब हम पंखे को किसी को भी ऑन या ऑफ करते हैं ना ठीक है न, जिस स्विच से करते हैं ना उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच यहां पर जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो टॉर्च के स्विच की बात की गई है स्विच तो एक हर एक स्विच का एक सिमिलर काम होता है एक ही काम होता है ऑन और ऑफ करना ठीक है चाहे वो घर का स्विच हो चाहे वो टोर्च का स्विच हो अगर वो स्विच ऑन है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है ठीक है अगर स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती मीनिंग के करंट फ्लो नहीं करता है ठीक है बच्चों यही कुछ मैंने डायग्राम में समझाया है देखो ये डायग्राम मैंने ऐसे ये ला बनाया यहां पर यहां पर मैंने दिखाया है कि स्विच ऑफ है इस टाइम पे ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्विच ठीक है ये कोई असली स्विच नहीं बनाया मैंने ये क्या है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्विच ठीक है बच्चों इसमें क्या है स्विच ऑफ होता है जब उसमें थोड़ा सा गैप होता है एयर का जिसके कारण करंट फ्लो नहीं करता उसे कहते हैं सर्किट इज ब्रोकन ठीक है कि उस टाइम पे सर्किट क्या है ब्रोक हो जाता है जब हम स्विच ऑफ करते हैं जो करंट जो है उसके थ्रू फ्लो नहीं करता क्यों क्योंकि उसमें गैप हो जाता है गैप का मीनिंग सर्किट जो है ब्रोक हो गया है। सर्किट इज नॉट कंप्लीट हम इसे यह भी कहते हैं कि जो सर्किट है वो उस टाइम पे कंप्लीट नहीं है क्यों क्योंकि इसमें गैप आ गया हुआ है और जिसमें सर्किट कंप्लीट नहीं होता वहां से इलेक्ट्रिसिटी नॉट फ्लो इसका मीनिंग वहां से करंट भी फ्लो नहीं कर सकता है जब स्विच ऑफ होता है बच्चों जब स्विच ऑन होता है हमारा तो उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है मीनिंग हमारा जो करंट है वो उससे फ्लो करता है ठीक है तो उसे हम कहते हैं हमारा कंप्लीट सर्किट है ये ठीक है कंप्लीट सर्किट है यहां पर ठीक है द सर्किट इज क्लोज ये हमारा हो गया क्लोज सर्किट हो गया ठीक है और जहां पर गैप आ गया वो हमारा हो गया ओपन सर्किट ओपन सर्किट में क्या हो गया स्विच ऑफ होता है क्लोज सर्किट में क्या हो गया स्विच ऑन होता है ठीक है बच्चों अच्छा बच्चों आज के लिए इतना काफी है अगर आपको समझ आ गया हो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे